जनपद बदायूं के थाना मूसा झाक पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जिलाधिकारी बदायूं के आदेश क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन में 4 अप्रैल 2022 सोमवार के लिए शराब माफिया अभियुक्त धर्मवीर उर्फ टुंडा पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम किसनी महेरा थाना मूसा झाक जनपद बदायूं के लगातार अपराध में संलिप्त रहने और अवैध मादक पदार्थ का कारोबार कर अर्जित की गई लगभग 20 लाख रुपया की संपत्ति को उप जिलाधिकारी दातागंज व क्षेत्राधिकारी दातागंज के निर्देशन और रेवेन्यू टीम की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाकर सीज किया गया। मकान व जमीन को सरकार के हक में कुर्क व सीज कर पूर्व प्रधान वीरपाल पुत्र जानकी निवासी ग्राम किसनी महेरा थाना मूसा झाक जनपद बदायूं के सुपुर्द किया गया। पेश है यह रिपोर्ट। ग्राम मेरा वासी सुनो, कुछ घोषणा की जाती है। माननीय न्यायालय जिलाधिकारी जनपद बदायूं वार्ड संख्या 71/2021 सरकार बनाम धर्मवीर उर्फ टुंडा अंतर्गत धारा 14(1) गिरोह बंद हुए गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से तमाम अवैध धन अर्जित किया गया है। जिस अवैध धन से अभियुक्त धर्मवीर उर्फ टुंडा उपरोक्त द्वारा निम्न संपत्ति अपने मां प्रेमा देवी के नाम से क्रय कर 8 को गाड़ा संख्या 559 के रकुआ 2.81 हेक्टेयर किसी भूमि के एवट्टे 1/2 भाग का बैनामा कराया गया है। दिनांक 16/8/2010 को गाड़ा संख्या 416 रकुआ 2.40 हेक्टेयर किसी भूमि का 1/5 भाग का बैनामा कराया गया है तथा गाड़ा संख्या 417 के रकुआ 0.15 हेक्टेयर किसी भूमि का 1/5 का बैनामा कराया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 12,96,000 रुपया है। उक्त संपूर्ण संपत्ति ग्राम किसनी महरा में स्थित है। गाड़ा संख्या 559 में अवैध तरीके से निर्माणाधीन मकान स्थित है जिसकी अनुमानित कीमत 7,75,000 रुपया है तथा अभियुक्त धर्मवीर उर्फ टुंडा द्वारा अपनी मां प्रेमावती के नाम से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा HF डिलेक्स नंबर UP24AM9720 खरीदी गई है जिसकी अनुमानित कीमत 38,000 रुपया है। इस प्रकार कुल संपत्ति जमीन मकान मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत मालियत 20,59,000 रुपया है जो राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की जाती है। बदायूं में मूसा झाक में धर्मवीर टुंडा जो शराब तस्करी करते हैं, जिनसे शराब की मुकदमे हैं, इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 20 लाख की इनकी अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पूरे इसका अनाउंसमेंट करा करके और इनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस तरह की जो भी माफिया हैं, चाहे वो शराब माफिया हो चाहे अन्य माफिया हो, सबके विरुद्ध इनकी संपत्तियां सर्च की जा रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।